पूरा विश्व रे प्रभाव पकाइथिला ग्लोबल ट्रैफिक जाम। सुएज केनाल रे अटकी रहिथिला विशाल जहाज, कोटी कोटी क्षति सहितला पूरा विश्व। आमे निश्चित भाबरे रास्तारे ट्राफिक जाम को अनेक थर देखिथिबा, कारण एही जाम जोगु अनेकंक कार्यरे बाधा सृष्टि होइथाय। जे शहर रे एपरि जाम हुए सेठारे लोकंकर व्यक्तिगत जीवन उपरे प्रभाव पडिथाय, किंतु आमे जे जाम विषय रे कहुछु ता कोनसे शहर किंबा देशर नहि, समग्र विश्वर लोक एही जाम द्वारा प्रभावित होइथिले, जहाँ रास्तारे जानवाहन द्वारा नुहे बरं समुद्र को जाउथिबा जहाज द्वारा जाम होइथिला। तबे आसंतु जानिबा केउं कारणरु एही जाम घटिथिला एवं एथिपाई पूरा विश्व को केमिति क्षति सहिबाकु पडिथिला। एहा इजिप्टर सुएज केनाल, जहाकि दिल्ली ठारु प्राय 4300 किलोमीटर दूर रे अवस्थित। एही केनाल रे एक विराट कार्गो जहाज अटकी गला। एहा परे लोहित सागर एवं भूमध्य सागर समुद्र जहाज गुड़ी करो एक विराट ट्राफिक जाम रो सम्मुखीन हेले। एही पानामा फ्लाग होइथिबा जहाजटी अटकी रहिथिबा सुएज केनाल रो लंब 193.3 किलोमीटर। भूमध्य सागर को लोहित सागर सहित संयोग करथिबा एही केनाल रे 23 मार्च 2021 रे मंगलवार सकाळे सुएज बंदर रो उत्तर केनाल पार हेउथिबा बेले एभर गिवेन नामक एक मालबाही जहाज नियंत्रण हराई अटकी जाइथिला, जहाँ परे एही 400 मीटर लंब एवं 69 मीटर चौड़ा कंटेनर जहाज पूरा केनाल को अवरोध करके रखिथिला। एही केनाल दे प्रतिदिन हजार हजार छोट एवं बड़ जहाज यूरोप रु एशिया एवं एशिया रु यूरोप को यात्रा करती। एही कारण रु अनेक जहाज जाम रे अटकी रहिथिले, जेउथिरे प्राय 13 नियुत बैरल अशोधित तैल धारण करा जाइथिला। प्रतिदिन 50 रु अधिक जहाज वाणिज्य पाई एही रास्ता दे जांती। एभली परिस्थिति रे यदि एही जाम दीर्घ समय धरी रहितांता तबे जहाज गुड़िक यूरोप रे पहुंचिबा पाई समग्र आफ्रिका बुलिबाकु पड़िथांता। एही कारण रु साधारण लोकंक पॉकेट उपरे सीधा सळख प्रभाव पड़िथांता। एही मालबाही जहाज अटकी जिबार किछि दिन मध्यरे अशोधित तेलर मूल्य मध्य किछि मात्रा रे वृद्धि पाइबारे लागिथिला। 2018 रे निर्मित एही जहाज ताइवान रो परिवहन कंपनी एवरग्रीन मेराइन द्वारा परिचालित होइथिला, जेउथिरे 25 जन भारतीयंकर एक क्रू मध्य थिला, अर्थात एही जहाज सहित भारतर सीधा सळख संयोग रहिथिला। एही कंटेनर चाइनारु माल परिवहन सहित नेदरलैंड रो पोर्ट रोटराम को जाउथिला। स्थानीय समय अनुयायी 23 मार्च 2021 मंगलवार सकाळे प्राय 7:40 समय रे जेतेबेले एही जहाजटी सुएज केनाल पार हेउथिला, सेतेबेले एक प्रबल पवन एही जहाजर दिग बदलाइ दैथिला। जहाज को सीधा करबा पई एक प्रयास रे एहा अटकी गला, जहाँ परे आगो को जिबा रास्ता बंद होई गला। एही जहाज एपरी अटकीबा परे उभय पटे अनेक जहाज अटकी रहिथिला, जेउथि पई अनुमान करा जाउथिला जे एही जहाज छाडीबा को अनेक सप्ताह लागिजिबो, जा यूरोप एवं एशिया मध्येरे वाणिज्य उपरे प्रभाव पकाइबो, ता सहित अशोधित तैलर मूल्य वृद्धि करिबो। किंतु बड़ कथा हेउछि एही जहाज मात्र 7 दिन मध्येरे सेठारु बाहरि पारथिला। एहाको हटाइबा पई 13टी डॉग बोट साहाज्य निया जाइथिला। डॉग बोट छोटो किंतु बहुत शक्तिशाली डंगा, जहाँ बड़ जहाज को टाणी नहीं थाए एवं गोटिए स्थान रु अन्य स्थान को नहीं थाए। एहा व्यतीत एहा को हटाइबा पई स्वतंत्र मशीन मध्य व्यवहृत होइथिला, जहाँ जहाज तले 30,000 घन मीटर माटी एवं बाली खोलिथिला। तथापि उच्च तरंग केनाल रे अटकी रहिथिबा एही जहाज को बाहर करिबारे अधिक सहायक होइथिला। यार कारण हेउछि समुद्र रे उच्च ज्वार आसीथिला एवं जेतेबेले एहा घटीथिला उच्च जलर स्तर बढ़िथिला एवं उच्च तरंग बढ़िबाकु लागिला। एही कारणरु जहाजटी बुड़ी जाइथिबा स्थान उपरे भासिबा आरंभ कर देइथिला एवं संपूर्ण रूपे बाहरकु आसी जाइथिला। एही जहाजर लंब 400 मीटर, अर्थात आधा किलोमीटरु टिके कम। यदि एही जहाजटी को सीधा आकाशाड़कु ठिया करी रखा जाए तेबे एहा स्टाच्यु ऑफ यूनिटी ठारु 2 गुण एवं विश्वर उच्चतम प्रतिमूर्ति स्टाच्यु ऑफ लिबर्टी ठारु 4 गुण बड़ हेबो। एही जहाज सुएज केनाल रु बाहरिबा पर भी समस्या कमी नथिला, कारण पाखापाखि 400 रु अधिक जहाज एही केनाल छाड़ीबाकु अपेक्षा करथिले। एही केनाल रो मोट लंब 194 किलोमीटर। एभलि परिस्थिति रे गोटिए दिन रे केवल 50 टी जहाज एठारु छाड़ी पारिबे, अर्थात समस्त अटकी रहिथिबा जहाज बाहर को बाहरिबा पई आउ एक सप्ताह लागिथिला, जेउथि पई इजिप्ट बहु अर्थनैतिक क्षति सहिथिला।
প্রায় 70,000 কোটি টাকা মূল্যর দ্রব্য প্রতিদিন সুয়েজ কেনাল দিয়ে যাই থাকে। এর অর্থ হচ্ছে 50 মিনিট মূল্যর সামগ্রী এই কেনাল দিয়ে প্রতি মিনিটে গতি করে এবং ইজিপ্ট দিনক 102 কোটি টাকা রোজগার করে। অর্থাৎ এই কেনালটি ইজিপ্ট পাই নোট ছাপিবা পাই এক মেশিন পরি এবং মেশিন ভাঙিবা বেলে যেপরি নোট প্রিন্টিং বন্ধ হই যায় সেইভাবে ইজিপ্ট কো মধ্য এই কেনাল অবরোধ হেতু আর্থিক ক্ষতি সইবাকু পড়তিলা। এই কেনাল ভারত পাই মধ্য গুরুত্বপূর্ণ কারণ উত্তর আমেরিকা দক্ষিণ আমেরিকা এবং ইউরোপ মালদ্বীপ আসুথিবা জাহাজ গুড়িক এই কেনাল দেই যাই থাই এবং ভারত প্রতি বর্ষ প্রায় 14 লক্ষ কোটি টাকা রপ্তানি করে থাই এই কেনাল দেই। এতিমধ্যে অশোধিত তেল ব্যতীত পোশাক যান যন্ত্র এবং রাসায়নিক পদার্থ গুরুত্বপূর্ণ অটে তেণু এভাবে ট্রাফিক জাম যোগু এই জিনিসগুলিকর অভাব হইপারে এবং সেমানকর মূল্য মধ্য আকাশ ছুঁ হইপারে। তাহা হচ্ছে এই ট্রাফিক জাম সিধাসলক আপনার পকেট উপরে মধ্য প্রভাব পকাইপারে। ব্যুরো রিপোর্ট রাইজিং ওড়িশা।